सुबह फजर की नमाज 6:10 पर स्टार्ट होती है। का मतलब ही यही है कि हम एक धूप निकली थी और सुबह के वक्त जो हवाएं चल रही थी, चीजें देख रही थी कि मुझे जो और अंदर पड़े पड़े थोड़ी सी खराब हो गया है। एक छोटा सा हादसा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है लास्ट संडे का व्लॉग और हस्बे मामूल मैं जिस तरह सुबह 5 उठती हूँ, इस तरह वीकेंड पर भी मैं हमेशा सुबह 5 ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सालों से ये रूटीन सेट है और सुबह 5 अल्हम्दुलिल्लाह खुद बहुत मेरी आँख खुल जाती है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम चेंज होने लगा है, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सुबह फजर की नमाज 6:10 पर स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले मैं जब नीचे आई थी तो नीचे आने के फ़ौरन बाद मैंने कुछ नवाफिल अदा करने थे जो कि मैं हर वीकेंड पर करती हूँ। तो नवाफिल अदा करने के बाद मैंने सूरत यासीन पढ़ ली और फिर थोड़ा सा टाइम रहता था अभी अजान में, तो इतनी देर में फिर मैं उठ कर गई थी और जाकर मैंने कैटल वगैरह ऑन कर दी। अजान हुई और उसके 10-15 के बाद मैंने नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद भी मैंने सूरज यासीन पढ़ी और मैं एक या दो बार नहीं पढ़ती हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा मैं पढ़ सकूँ सुबह के वक्त उतनी ज़्यादा मैं पढ़ लूँ। और सैटरडेज़ को मैं कुरान पाक की तलावत करती हूँ, संडेज़ को मैं सूरज यासीन पढ़ती हूँ। और ये सब मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि इससे थोड़ी बहुत ही सही किसी को भी मोटिवेशन अगर मिल सके, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ पर ये सब कुछ जो व्लॉग्स में हम शेयर करते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम दिखावे के लिए ये शेयर कर रहे हैं। ये सब कुछ शेयर करने का मेन मकसद यही होता है कि हम किसी को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें। व्लॉगिंग का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे के साथ अपने कामों को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें। अभी सुबह के 7:20 हो गए हैं और मैं जब अंदर बैठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी और मुझे लग रहा था कि जैसे वो बाहर आवाज़ें दे रहे हैं। और जब मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ बर्ड्स को खाना देने के लिए, तो सच में यहाँ पर बहुत सारे कबूतर इकट्ठे हुए थे जो कि अभी देख कर उड़ गए हैं, लेकिन यहीं आस पास ही बैठे हैं, तो मैं इनको यहाँ पर खाना दे दूँगी। और आज का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ सर देख सकते हैं, धूप निकली थी और सुबह के वक्त जो हवाएँ चल रही थी वो इतनी ठंडी नहीं थी। मुझे सुबह का वक्त बहुत पसंद है और मैं हमेशा जब भी सुबह उठती हूँ तो अपने किचन की विंडो को फुल ओपन करती हूँ ताकि मैं बाहर से परिंदों की आवाज़ें सुन सकूँ और बाहर की जो सुबह के वक्त की एक अच्छी सी खूबसूरत सी खुशबू आती है हवाओं के साथ, वो मैं महसूस कर सकूँ। और स्पेशली पौधों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ जब यहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है तो हम बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी किचन विंडो मैं सुबह सुबह उठ कर ओपन कर देती हूँ ताकि मैं मौसम का मज़ा ले सकूँ। और जो लोग मेरी तरह हैं सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सुबह जल्दी उठने में कितना मज़ा है। बर्ड्स को खाना देने के बाद मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। यहाँ अपनी हॉट वाटर बॉटल के साथ, एक कप ऑफ कॉफ़ी के साथ यहाँ बैठ चुकी हूँ और अपनी इंजॉय करूँगी मैं कॉफ़ी। और यहाँ से साथ साथ मुझे विंडो दिखाई दे रही है, मैं बाहर विंडो से भी देख रही थी और साथ मेरे चल रही है कुरान पाक की तलावत। और मेरी पूरी फैमिली उठ चुके हैं और यहाँ वहाँ वो घूम रहे हैं, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा कोई भी, लेकिन दूसरी रूम में मेरे हस्बैंड भी हैं और अभी मैं जाकर बनाऊँगी उन सब के लिए ब्रेकफास्ट। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ सीरियल लिया है सुबह के वक्त और बच्चे चाय वगैरह नहीं पियेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी पक्की पाकिस्तानी चाय, पराठा और अंडा यानी कि एग, और ये सब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि वो पराठा खाएँ। और ये कैसे हो सकता है कि अगर उनका दिल चाहे पराठा खाने को और मैं उनके लिए पराठा ना बनाऊँ। मेरे हस्बैंड को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो पराठा या तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन कभी कभार अगर वो खा लें तो फिर वो इतनी वो कर लेते हैं कि वो सारा जो खाया है उनका हज़म हो जाए। तो आज भी ये खाना वगैरह खाने के बाद हम जाएंगे बाहर और मुझे लगता है कि जहाँ हमने जाना है, जितना हमने चलना है, तकरीबन 2 में ये पराठा हज़म हो जाएगा। तो हस्बैंड यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, इतनी देर में मैं जा रही हूँ ऊपर रेडी होने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं किसी काम से।
यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और अपनी जैकेट्स निकाली, यहाँ पर बैग्स वगैरह रेडी किया और कुछ चीज़ें देख रही थी कि मुझे जो हल्की फुल्की सी ज्वेलरी वॉच वगैरह पहन कर जानी है वो सब मैं रेडी कर लूँ। और ये सब कुछ करते करते तकरीबन हमें हो गए थे 1:30। हम जिस काम से बाहर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा काम हो गया था, और किसी प्राइवेसी रीज़न की वजह से यहाँ पर मैं उस काम के बारे में मेंशन नहीं कर सकती हूँ। और काम करने के बाद यहाँ पास ही जिस पार्किंग में हमने गाड़ी को पार्क किया था वहाँ पर एक छोटी सी ये खूबसूरत सी जगह बनी है, वहाँ हम आए थे। डक्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ इनको देखकर इंजॉय कर रहे थे। अल्लाह पाक के कुदरती नज़ारों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसी जगहों पर टाइम स्पेंड करने का भी बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पास ही है सेंसबरीज़, और मैंने सोचा कि अभी हम पास आए हैं तो थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी, तो चलो लगे हाथ वो भी कर लेते हैं। तो इसके बाद हम आ गए थे सेंसबरीज़, यहाँ से बस हल्की फुल्की सी ग्रोसरी की हमने और इसके फ़ौरन बाद फिर हम घर चले गए। सुबह के वक्त जब मैं घर से बाहर जाने लगी थी तो उससे पहले ये प्लांट्स को मैं पानी यहाँ पर देकर छोड़ गई थी, क्योंकि ये हैं सारी इंडोर प्लांट्स और अंदर पड़े पड़े थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं, तो इनको थोड़ा सा आज फ्रेश करके मैं लिविंग रूम्स वगैरह में रखूँगी। और आप देख सकते हैं कि डस्ट कितनी ज़्यादा नज़र आ रही थी, और इनकी जो मिट्टी इनके अंदर है उसको भी थोड़ा सा सेट करना है, चेंज करना है और फ्रेश करना है। तो कुछ तो मैं रीपॉट करूँगी और कुछ मैं इसी तरह से इनको साफ़ करके दोबारा से इनकी जगहों पर रख दूँगी। और अभी हो चुका था शाम का टाइम और यहाँ पर हो गया है एक छोटा सा हादसा हमारे साथ, और वो ये हुआ है कि मुझे आज बनानी थी 2 किस्म के खाने, यानी कि 2 हंडियाँ मुझे बनाकर रखनी थी, क्योंकि आगे वीकडे स्टार्ट हो गए हैं तो वीकेंड पर मैं हमेशा दोनों दिन में 2-2 हंडियाँ बनाती हूँ, और एक यूज़ होती है और एक को मैं फ्रिज में रख देती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। तो 2 जो मुझे बनानी थी उसमें एक थी जिसमें मुझे कद्दू और दाल बनाने थे, और दूसरी थी जिसमें मुझे गोश्त और पालक बनानी थी। लेकिन जब मैंने कद्दू काटे तो सारे के सारे कद्दू ख़राब हो चुके थे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। तो फिर अचानक से दिमाग लड़ाया तो सोचा कि आज मैं कद्दू दाल के बदले दाल और पालक को मिक्स कर लेती हूँ, और जो गोश्त है उसको भून कर एक साइड पर रख दूँगी, कल उसमें कोई और वेजिटेबल वगैरह ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने दोनों कुकर्स चढ़ा रखे थे, एक में मैंने दाल को गला लिया था और उसी दाल में मैंने ऐड कर दी थी पालक, और यहाँ पर ये जो मीट मैंने रखा था जिसमें मैंने पालक को ऐड करना था इसको बस मैं अभी भून कर एक साइड पर कर दूंगी। तो कभी कभार हम जो घर की औरतें होती हैं हमें इस तरह के जुगाड़ करना पड़ते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम होने की वजह से मैं हर रोज़ खाना नहीं बना सकती हूँ। ज़्यादातर मैं करीज़ बनाकर या जो करी बेस होता है उसे बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, और वीकेंड पर ज़्यादातर इस तरह के खाने बनाकर मैं रख देती हूँ ताकि वीकडेज़ में मुझे बार बार खाना ना बनाना पड़े। ये बोनलेस चिकन है और इसे मैंने कल रात को मसाला लगा के रख दिया था, अभी मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और इस तरह की फ्राइड चिकन मैं अपने फ्रिज में ज़्यादातर ज़रूर ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार टाइम की कमी की वजह से कुछ लंच अगर ना बना सकूँ तो बच्चे खुद से ही बर्गर्स या रैप्स वगैरह इसके साथ बना लेते हैं। सैलड भी मैं हमेशा बना कर ही फ्रिज में रखती हूँ, और जितने भी मैं खाने बनाती हूँ तकरीबन एक वीकेंड में मैं 5 से 6 किस्म के खाने बना कर कंटेनर्स में डाल के उन्हें ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद मैं उन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि वीक डेज़ में मेरे लिए आसानी बनी रहे। जब भी किसी को कुछ खाना होता है तो हम सुबह के वक्त वो खाना निकाल लेते हैं, और फिर रात को खाना सिर्फ मुझे सालन को गर्म करना होता है और साथ रोटी बनानी होती है। तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता कि हर रोज़ मसाले बनाए जाएँ या भुना जाए खाना, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है। मेरे पास जो 5 दिन होते हैं उसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है। एक मेरी जॉब की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसके बाद मेरे बच्चों के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं 2nd टर्म में। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपने लिए ही कुछ काम वीकेंड पर कंप्लीट कर लें। जो बहनें घर से बाहर काम करती हैं उनके लिए वीकडेज़ में टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यकीन मानिए अगर आप वीकेंड पर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा किचन में गुजार लेंगे तो आपके लिए वीकडेज़ में बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी, आप अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकेंगे। मैं बहुत अरसे से इस तरह से कर रही हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हुई है। आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगे।
इसी के साथ करती हूँ मैं आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।